मॉर्निंग क्लास है। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 13.1 में हमें लगाना हैगा कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाना है, इन विच AB की लेंथ हमें दिया 4 सेंटीमीटर, BC हमें दिया 2.8 सेंटीमीटर, CD हमें दिया है 3.7 सेंटीमीटर, DA दिया है। तो CD हमें दिया है 3.7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो हम AB खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर से नाप लेंगे, या फिर हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमने एक लाइन खींची 4 सेंटीमीटर की, ए और बी। तो इसे हम डार्क डॉट कर दे रहे हैं, ये इसका नाम दे रहा है ए और बी। ओके स्टूडेंट, अब हमें बी सी हमें खींचना है 2। तो BC हमें खींचना है 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर कहाँ खींचे, तो इससे हम इसमें नापेंगे 2.8 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, तो 2.8 सेंटीमीटर हमारा ये है। तो इसमें हम एक बी पॉइंट में रख के एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम आर्क लगाएंगे 2.8 सेंटीमीटर का बी पॉइंट में। तो यहाँ से एक आर्क लगा दी, कहाँ तक, 2.8 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे, हमने सी के लिए आर्क लगाई है, सी के लिए आर्क लगाई है। इसके बाद हम यहाँ पे AC की आर्क जानेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट हम AC के लिए 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम A पॉइंट पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर के लिए एक आर्क लगाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क ये, तो ये दोनों जहाँ पे टच कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, वो हमारा पॉइंट क्या होगा, C पॉइंट होगा। अब हम इसको मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे वो हमारा C पॉइंट होगा। तो इसको हम इसमें मिला देंगे, तो B से C को मिलाएंगे, तो ये हमारा 2.8। इसको हमने मिला दिया C पॉइंट से, और C को A पॉइंट से मिलाया, तो A को C से मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा AC 5 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट हमें आर्क लगाना है D के लिए। तो A से खींचेंगे हम D हमारा कितना है, AD या DA 3.3 का। तो हम 3.3 का आर्क भरेंगे इसमें, 3.3 का। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 3.3 का है। तो A पे हम रखेंगे डिवाइडर की नोक, और इस पे हम लगाएंगे एक आर्क। तो हमने लगाया एक आर्क, ये हमारा 3.3 का आर्क लग गया है। इसी के बाद हम खींचेंगे, इसके बाद हमें दिया है CD हमारा कितना है 3.7। तो 3.7 आर्क भरेंगे इसमें, 3.7 का। तो स्टूडेंट ये हमारा 3.7 का आर्क भरा, तो सी वाले पॉइंट में रखेंगे और एक आर्क यहाँ से हम लगा देंगे। तो इसको हमने यहाँ लगा दिया आर्क। तो ये दोनों यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये दोनों हमारे कहाँ मिलना है, इस पॉइंट में। तो ये हमारा क्या मिल गया, डी। तो इसको हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ए से डी को मिला दिया, और हम सी को डी में मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा CD। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसकी हम लेंथ अभी नाप सकते हैं। तो AB हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा देखिए AB कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। BC हमारा कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर का। तो BC दिया है हमारा 2.8 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ 2.8 सेंटीमीटर। AOD हमारा 3.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से आ 3.3 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ABCD, जिस तरीके से हमें दिया। इसके बारे में हमें कुछ स्टेप लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जिस तरीके से हमने बनाया गया है, उसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ लाइन सेगमेंट किया है। इसके बाद B, तो इसी तरीके से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल बोल्ड BOLD। तो एक हमें चतुर्भुज बनाना है BOLD, और इसकी हमें लेंथ दी गई है। अब इसकी हमें लेंथ दी गई है BO 4.5 सेंटीमीटर, OL हमें दिया 3.5 सेंटीमीटर, LD दिया है 4 सेंटीमीटर, DB हमें 6 सेंटीमीटर, और BL हमें दिया 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, BO हमें कितने डिग्री का, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम BO को खींच लेंगे सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का।
तो स्टूडेंट ये हमने खींचा 4.5 सेंटीमीटर का खींच लिया है बी ओ। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा ओ, ये हमारा 4.5। इसके बाद हमें कह रहा है ओ एल, ओ एल कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर का, तो ओ एल, ओ से हमें खींचना है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें आर्क भरेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर आर्क हम लगा देंगे, तो हमने एक आर्क लगा दिया बड़ा सा 3.5 सेंटीमीटर का। तो स्टूडेंट हमारा एल के लिए, हमने एल के लिए यहाँ पे 3.5 का लिया, अब हम बी एल, बी एल हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें आर्क भरेंगे हम 7 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का आर्क लिया हमने इसमें, तो ये हमारा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर का आर्क है, तो बी में रखेंगे, बी से हम कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे, तो हम इसमें कट लगाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट है, जहाँ मिलेगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा, एल, तो हम इसको मिला देंगे इससे, तो बी से हमने ओ को मिलाया, तो ये हमारा बी ओ हो गया। इसी तरीके से एल को हम बी से मिला देंगे, तो ये हम एल को बी से मिलाएंगे, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का बी एल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एल डी, अब हम बी से डी, डी हमें दिया है बी डी कितना 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो इसमें 6 सेंटीमीटर का आर्क भरेंगे, तो स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर का आर्क भरा, तो बी में रखेंगे, बी पॉइंट पे, और इसके बाद हम इसे आर्क लगाएंगे, तो हमारा यहाँ आर्क लगेगा, तो थोड़ा छोटा हो गया, आप इसके नीचे थोड़ा बनाना, तो ये हमारा आर्क लग गया 6 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से हम एल से क्या लगाएंगे, डी। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद स्टूडेंट हम एल डी, एल डी हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 4 सेंटीमीटर का आर्क भरेंगे, तो डी में रखेंगे, एल में, तो हम यहाँ इसमें आर्क लगाएंगे, तो जो हमारा जिस पॉइंट में कट रहा है वो हमारा पॉइंट क्या होगा, डी पॉइंट मिलेगा, तो हम इसे इसको मिला देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा डी मिला, तो बी से डी, तो बी से डी हमारा ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हमारा ये डी बन गया, तो डी से एल को मिला देंगे, डी से हम एल को मिला दिया हमने, तो ये हमारा एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है बी ओ एल डी। ओके स्टूडेंट, इसको अगर हम लेंथ नापेंगे भी तो हमारा सेम लेंथ में आएगा। अब इसके स्टेप आपको लिखना है, तो वो आप इसके स्टेप खुद लिखेंगे, और इसी तरीके से 13.1 के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।